हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्लेट योर बेस्ट विद भूपेंद्र सिंह। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए फालूदा कुल्फ़ी की रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। अगर आप इसी तरीके से इस रेसिपी को फॉलो करके बनाएंगे तो आई एम 110% श्योर कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी तो बनेगी। साथ में आप इसी तरीके से अट्रैक्टिव तरीके से अपने फैमिली को प्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो फालूदा कुल्फ़ी है, ये मैंने जिस पैक से बनाई है, वो पैकेट जो है वो ये है, कुल्फ़ी फालूदा का। और इसमें जो फ्लेवर था वो था केसर और पिस्ता का। ये सेम पैकेट जो है वो अवेलेबल है मार्केट में, या तो फिर अमेज़ोन पे भी ये पैकेट अवेलेबल है। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई में आपको आधा लीटर दूध डालना है, और आधा लीटर दूध डालने के बाद उसमें हम एक गिलास डालेंगे पानी, ये देखिए। और उसके बाद हमें इस दूध को अच्छे से बॉईल करना है। जब इसमें फ़र्स्ट बॉईल आ जाएगा, आपको इसको कीप ऑन इस तरीके से स्टर करके ही आपको इसको बॉईल करना है। उसके बाद जैसे ही उबाल आ जाता है, हम इसमें ऐड करेंगे ये कुल्फ़ी फालूदा। ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसके अंदर कुछ फालूदा भी है, साथ साथ में फ्लेवर के लिए कलर भी है, केसर है, पिस्ता है। तो आप देख ही सकते हैं कि कलर कितना सुंदर आ रहा है इसमें। इसी तरीके से आपको नॉर्मली इसको इसमें मिला देना है। ये हम यूज़ करेंगे हाफ़ पैकेट, इट मीन्स अगर आप एक लीटर दूध ले रहे हैं तो आपको पूरा पैकेट यूज़ करना है, और अगर हाफ़ लीटर ले रहे हैं दूध तो आपको हाफ़ पैकेट ही यूज़ करना है। देखिए, इस तरीके से आपको इसको अच्छे तरीके से बॉईल करना है 10 मिनट तक, और उसके बाद इसको स्लो फ्लेम पे पकने देना है नेक्स्ट 5 or 6 मिनट्स के लिए। और जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि ये रिड्यूस हो चुका है बहुत ही ज़्यादा, और ये कुछ इस तरीके से आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। ये देखिए, ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं है, ज़्यादा पतली भी नहीं है, और जितना कि हमने दूध लिया था वो बहुत हद तक रिड्यूस हो चुका है। बस इसके बाद आपको जो फ्लेम है वो बंद कर देनी है, और ये देखिए इसका फाइनल रिज़ल्ट। कुल्फ़ी बनाने के लिए आपको फ्रीज़र में जो है इसको जमाना है, और उसके बाद आप इसको कुल्फ़ी बना सकते हैं, या इस तरीके से ग्लासेस में भी आप इसको ठंडा करके सर्व कर सकते हैं। टेस्ट बढ़ाने के लिए आप इसको गार्निश कीजिए ड्राई फ्रूट्स के साथ। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए खाते रहिए, खिलाते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।